अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं जुलेखा अरफात, जुलेखा किचन से। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह के करम से ठीक हूँ और आप लोगों की दुआ भी है। चलिए, तो आज मैं क्या कर रही हूँ, आप में से कुछ बना नहीं रही हूँ, लेकिन हाँ आज मैं 2 किलो झींगे, डेफिनेटली आपने सही राइट सुना, 2 किलो झींगे मैं उठा भी नहीं पा रही हूँ 2 किलो झींगे मैं ये साफ करके आपको बताती हूँ कि कैसे साफ करते हैं। मैं रख दू, तो चलिए मेरे साथ 2 किलो झींगे हम साफ करते हैं और क्या टेक्निक्स है क्या नहीं है मैं आपको बताना चाहती हूँ। थोड़ा सा आवाज आपको आएगा पीछे से क्योंकि ऊपर शायद काम चल रहा है, तो प्लीज माइंड मत कीजिएगा। मैं तो घर में जो खाना बनाती हूँ उसी टाइम पे आप लोगों को पोस्ट कर देती हूँ या आप कहें कि अपलोड कर देती हूँ, तो ये थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आपको कभी कभी सुनाई में आएगी, सो प्लीज इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम ये देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि मैंने झींगे कैसे वाले मंगाए हैं। मैंने बड़े वाले झींगे मंगाए, आप छोटे हो, मीडियम हो या जंबो हो, सबके लिए सेम ही प्रोसीजर है। तो सबसे पहले आप एक झींगा लीजिए, उसके ऊपर का जो सर है, जैसे आप देख सकते हैं दिखा रही हूँ, देखिए ये है ना, ये ऊपर का, ये सर को आप तोड़ दीजिए, ये देखिए इस तरीके से 2 टुकड़े कर दीजिए हाथों की मदद से। अब नीचे जो पैरों का साइड है, साइड पे ये देख सकते हैं आप बीच में, उधर से इस तरीके से आप स्क्रैप करेंगे ना, छीलेंगे ना, तो बीच का ये पोर्शन निकल जाएगा और फिर पूंछ पे इस तरीके से प्रेस कीजिए तो तीसरा पोर्शन, तीसरा भाग निकल गया। तो ये 3 पार्ट्स के अंदर आप झींगे साफ कर लीजिए। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखिए, फिर से मैं बता देती हूँ कि ये नीचे का पार्ट है, इसे पकड़िए इस तरीके से, मुंडी को तोड़िए और फिर से ये पीछे का जो मेन जहाँ लेग्स होती है वहां इस तरीके से आप स्क्रैच करेंगे तो निकल जाएगा, और फिर पीछे पूंछ पे इस तरीके से प्रेस कीजिए, टेल पे प्रेस करना है, जब प्रेस करेंगे तो ये निकल गया। तो बढ़िया से आप देख सकते हैं इसी तरीके से सारे झींगे बना लीजिए। अच्छा, दूसरा वे ये है कि ये देखिए, ये जो ऊपर का शेल आप देख सकते हैं मैंने निकाल दिया, राइट। अब नीचे आप देख सकते हैं बहुत पैर वैर रखे हुए हैं, उसको भी हाथों की मदद से हल्का सा निकाल दीजिए। देखिए आपने, ये देख सकते हैं मैंने पूरी तरीके से हेड को, जो सर को है, नहीं निकाला। अब नीचे से फिर से ये जो पैरों की साइड से स्क्रैप कीजिए तो शेल निकल आएगा, और फिर अगेन पूंछ की साइड पे इस तरीके से प्रेस करेंगे तो तीसरा शेल निकल आया। तो इसी तरीके से आप चाहें तो दोनों में से कोई भी तरीके से साफ करें। अच्छा, साइड पर एक फ्रेश पानी का बर्तन लेके रखिएगा कि जैसे जैसे आप साफ करते जाएं वो फ्रेश पानी के बर्तन में आप ये जो झींगे साफ करे हुए वो डालते जाएं, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ फ्रेशनेस कैसे देखते हैं, कैसे पता चलती है कि झींगे फ्रेश कैसे है। तो ये जो ऊपर का जो शेल है ना इनका, अगर अच्छा क्रिस्पी होगा ना, इसका मतलब बहुत ही ज्यादा फ्रेश है। और वो जो ऊपर का शेल है, अगर वो थोड़ा सा नरम होते जा रहा है, मतलब वो उतने फ्रेश नहीं है। लेकिन हाँ, एकदम पीले पीले लग रहे हैं, मतलब बिल्कुल भी फ्रेश नहीं है, और बाय मत कीजिएगा। जैसे मैंने आपसे कहा, जब एकदम ज्यादा फ्रेश होते हैं तो मुंडी होती है ना, वो भी बहुत क्रिस्पी होती है। तो हम तो कभी कभी मुंडी को भी मसाला लगा के फ्राई करते हैं। जब एकदम ज्यादा क्रिस्पी होती है, मतलब फ्रेश होती है, तो तब हम मुंडी को साफ करके उसमें फिर से डाल देते हैं और उसको भी पका लेते हैं। बहुत ही मजेदार टेस्ट लगता है उसका भी। चलिए आप देख सकते हैं सारे मैंने छील लिए हैं, और ये देखिए कचरा, इसे साइड पर रख दीजिए। अच्छा, अभी ये पानी गंदा हो चुका है, इसको फिर से फेंक कर धोकर फ्रेश पानी भर के लेके आइए इस तरीके से। अब एक झींगा लीजिए, उसको छुरी की मदद से बीच में, आप देख सकते हैं मैं आपको बताती हूँ, इस तरीके से स्लिट मारिए। स्लिट मारनी है, अंदर तक नहीं डालना है, हल्का सा स्लिट मारेंगे ना बस बीच में इस तरीके से, और साफ वाले पानी में डालते जाएं। अब आप ये वे भी कर सकते हैं, या दूसरा वे ये है कि आपने एक स्लिट मार ली इस तरीके से और अंदर से पहले पूरी गंदगी निकाल लीजिए और फिर साफ पानी में डालते जाइए। बट मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्टली पहले सारों को स्लिट मार के फिर एक साथ सारों की गंदगी निकालूंगी। दोनों ही वैसे ही हैं, जो वे आपको सही लगे आप वो वैसे कीजिएगा। अच्छा, दूसरी पॉइंट ये है कि अगर छोटे झींगे होते हैं, ये बड़े झींगे हैं, छोटे झींगे होते हैं, तो आपको कभी कभी तो स्लिट मारने की जरूरत नहीं होती है, गंदगी थोड़ी बाहर लटक रही होती है, आप उसको हल्के हाथ से खींचेंगे ना, जैसे थ्रेड की तरह वो निकल आएगी। अब वो छोटे झींगे में वैसा भी हो सकता है, लेकिन ये बड़े हैं इसके लिए अब हमें काटना जरूरी है बीच में से। ये सारे झींगों की मैंने स्लिट मार ली है, आप देख सकते हैं। फिर से मैं ये पानी फेंक के फिर से एक फ्रेश पानी लेके आ रही हूँ, और ये जो एक एक, अब ये जो प्रॉन्स लीजिए झींगे, और इस तरीके से बीच की जो रग है इस तरीके से आप जो हाथों की उंगलियों की मदद से स्क्रैप करेंगे तो निकल जाएंगे, और उसे फ्रेश पानी में डालते जाइएगा।
तो आपने देखा ये भी क्विक वे है, मैं तो हमेशा यही करती हूँ, आप चाहें तो ये स्टेप स्किप करके आप जो मैंने दूसरा कहा था कि डायरेक्टली स्लिट मारते जाएं और उससे ये जो गंदगी है उससे हाथों की मदद से उंगलियों की मदद से स्क्रैप करते जाएं, तो वो सही है, ये भी सही है, आपको जो कंफर्टेबल लगे आप वो कीजिए। और ये हो गए सारे मेरे साफ करके झींगे बढ़िया से, 2 किलो के झींगे थे, लेट्स सी कितने निकलते हैं इसमें से। तो यहाँ पूरी साफ हो चुकी है मेरे झींगे, और चलिए मैं वजन करके दिखा देती हूँ आपको, ये 2 किलो झींगे थे कितने निकले हैं। ये देखिए 1 ही किलो निकले, 2 किलो साफ किए मैंने बैठ के। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, फिर से इसे धो के अब मैं 2 हिस्से कर दी हूँ इसके। अब आधा जो हिस्सा है, जैसे आधा किलो है, मैं उसका सिंपल झींगे का सालन बना लेती हूँ, और आधे जो झींगे हैं उसे मैं कल बिरयानी बना रही हूँ। वैसे झींगे का सालन और झींगे की बिरयानी दोनों ही बढ़िया सी मज़ेदार सी बनी है, और दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देती हूँ, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा, बनाइए और मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो सारे काम हो चुके हैं, खाना पक गया, सारी चीज़ें हो गई, अब रेस्टिंग का टाइम है, तो मैंने सोचा मैं क्या कर लूँ, बाहर जाके एक काम पटा लूँ, वो है मेरा ये चश्मा, जैसे आप देख सकते हैं टूट फूट चुका है। और अगर आप ये समझते हो कि मैं देख नहीं पाती हूँ या समथिंग, तो आप सही समझते हो, मैं नहीं देख पाती, और मैं 7 बजे के बाद तो ऐसा होता है कि सच्ची में नहीं देख पाती हूँ, और जैसे छोटी छोटी चीज़ें जो रीडिंग होती है मैं वो नहीं कर पाती हूँ, और ये मेरा इतना इम्पोर्टेंट है ना कि मुझे ये जो फ़ोन वगैरह है और ये सब जो एडिटिंग है ये सब मैं फिर चश्मा चाहता है मुझे उसके लिए, तो अब मैं जा रही हूँ क्विकली चश्मा बनाने, तो चलिए हम जाते हैं चश्मा बना के आते हैं। अच्छे रिक्शा वाले भैया थे कि वो मुझे थोड़े से वीडियोस दिखा रहे थे कि उनके गांव में क्या होता है और किस तरीके से कुछ चीजें मनाई जाती हैं, तो वो कह रहे थे कि आप भी जाइएगा। जाओ कभी आप यूपी, देख के आ जाओ। हाँ जरूर जाऊंगी यूपी और इंशाल्लाह देखूंगी। शुक्रिया भाई। मैंने सोचा लगे हाँ तो टेस्ट भी करा लेते, नंबर वगैरह बढ़ गया हो तो। अच्छा ये देखिए कुछ नया सिस्टम है, पहले वो कुछ अलग तरीके से बताते थे, अब डायरेक्टली इसके अंदर टीवी के अंदर ही बताना शुरू कर दिए, तो मुझे इतना फनी लगा था ना वो। बस थैंक यू। 1 मिनट, ये वाला और एक ये वाला, राइट? ये बहुत लूज है, फिटिंग हो जाएगा, वेट में लाइट मिले ना उसके लिए। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन आप बोल रहे हो कि इसमें आपके पास साइज नहीं है। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड, बट साइज नहीं है, राइट? तो मैंने कौन सा पसंद किया फिर? ये वाला, मुझे ये वाला ज्यादा ज्यादा बेटर लगा। चलिए ये अब मेरा काम हो चुका है, अब मैं आगे बढ़ रही थी, तो मुझे ये जो फूड स्टॉल्स है वो देखिए, और जो बारिश गिर रही है और खुशबू 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 आ रही है, मुझे लगा लेना बहुत जरूरी है। और अगर मुंबई में स्ट्रीट फूड नहीं खाया बारिश के टाइम पर, तो फिर क्या खाया आपने, बहुत बड़ी चीज मिस कर दी। तो मैंने सोचा चलो आज ये ले लेते हैं, जो थोड़े से पकोड़े लिए मैंने, सैंडविच लिया, समोसा लिया, मतलब ज्यादा नहीं लिया, थोड़ा थोड़ा लिया, क्योंकि घर में भी इतना बनता है, तो मैंने सोचा लेकिन रास्ते का जो होता है स्ट्रीट फूड मुंबई का, उसकी बात ही कुछ और होती है। तो मैंने वो सारा पैक करा के घर पे लेके आई, ये रहा मेरा पार्सल, और अब मैं चली घर अपने सवारी लेके। घर आके ये मैंने थोड़ी सी फरमाइश की कि अरफात आप चाय बना दें, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तो उन्होंने चाय बनाई आज, और गर्मा गर्म ये आप जैसे देख सकते हैं चाय अरफात निकाल रहे हैं, और ये मैंने गर्मा गर्म प्लेट के अंदर बाजार से लाए हुए पकौड़े और सैंडविच को मैंने सर्व किया है, और मजेदार से हम खाएंगे। चलिए आप भी आइए, बोलिए बिस्मिल्लाह हमारे साथ। बारिश बहुत ही जोरों से हो रही है और गर्मा गर्म ये सारी चीजों का खाने का मजा ही कुछ और है कि नहीं? कभी कभी अच्छे लगते हैं बाहर के कभी कभी खाने के लिए बारिश, और कितना मजा आ रहा था, वहां गरम गरम पकौड़े तल रहे थे वो, ये देखिए कैसा लग रहा है सारा। अच्छा है, वही बाहर का वही अच्छा है। मेरा फेवरेट तो सैंडविच है, मस्त होता है बाहर का, घर में भी बहुत अच्छा बनता है। के साथ हरी चटनी होनी चाहिए, हरी होनी चाहिए थी ना, उसने दी नहीं।
बढ़िया से क्या है ये समोसे, समोसे आलू के और ये अधम का मैं खा रही हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये रख देती मैंने एक ही लाया, दो मैंने लाए नहीं, क्या पता ऐसे ही लगा इतना सब है। मम्मा ने दिया, मम्मा ने नीचे से लाया है चंदी अभी सो के उठा है। और बढ़िया सी गर्मा गर्म चाय अरफात ने बना के दिए माशाल्लाह, अच्छी है चाय आपकी। मम्मा चश्मे ठीक करा के आ गए चश्मे, उसने बोला आपका बेटा बहुत बदमाश है, कोई घर में वो ऐसे कैसे तोड़ देता है। मैं नहीं तोड़ता हूँ। तुमने ही तोड़ा था वो चश्मा मेरा, और उसके ऊपर बोले बहुत स्क्रैचेस आ गए हैं। बागी करोगे ऐसा? गुड बॉय, गुड बॉय, मेरा गुड बॉय, मेरा गुड बेबी, मेरा क्यूटी पाई। चाय पी रहे हो? पूरी पी ली मैंने। अरे पूरी पी ली तुमने? इतनी गरम, इतनी गरम गरम पी ली इतनी जल्दी, या अल्लाह। तो ये था जो भी था, व्लॉग था, उसके साथ साथ रेसिपी भी थी, तो दोनों था, रेसिपी भी विद व्लॉग। सो आई होप आपको अच्छा लगे, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर ऐसे ही कंबाइंड व्लॉग्स और रेसिपीज ऐसे कंबाइंड देखना चाहते हो तो जरूर मुझसे कमेंट सेक्शन में कहिए, मैं कुछ ऐसे टाइप के व्लॉग्स और जो रेसिपीज कंबाइंड करके भी डालूंगी। तो आई होप आपको अच्छा लगे, फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ या फिर ब्लॉग के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।